Good morning. आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम. What is यूक्लिड एल्गोरिदम? The law A equal to B into Q plus R. It is Euclid algorithm. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. It is Euclid algorithm. So see questions so that every positive even integers of the form 2q and odd integers, इसमें दो क्वेश्चन है, यहां से दूसरा odd integers 2q plus 1. अब जैसे बनाने के लिए दो क्वेश्चन है एक ही तरीका से, क्योंकि परीक्षा में बहुत आता है और इसको एकदम बढ़िया से समझना जरूरी है. एकदम समझिए एक बार दो बार, क्योंकि इसको बनाना अगर आ जाएगा परीक्षा में आराम से बना देंगे. सी लेट ए बी ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन डिवाइजन ए बाय टू. वाई टू, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 2q रहेगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 3q रहेगा तो 3, एंड लेट q बी क्वाइटेंट एंड r बी द रिमाइंडर. देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम a इक्वल टू 2q प्लस r, मतलब a जो है a डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर जो होता है एलवेज जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइडर से हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर देन टू. अर्थात टू क्या है? डिवाइडर. तो डिवाइडर से हमेशा छोटा होगा, अर्थात r का वैल्यू जीरो हो सकता है, नहीं तो r का वैल्यू वन हो सकता है. तो क्या हो गया? इसलिए a इक्वल टू टू प्लस जीरो या a इक्वल टू टू क्यू प्लस वन. फर्स्ट में हो सकता है a इक्वल टू 2q प्लस 0 और a इक्वल टू 2q प्लस 1. क्यों? वही बिकाउज डिवाइजर इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर r रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर. a इफ a इक्वल टू इवन नंबर, इवेन नंबर होगा तो निश्चित है ये जब इवेन रहेगा टू से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा वह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा. तो ए इक्वल टू टू क्यू. इफ ए इक्वल टू ओड नंबर होगा तो डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, वन. टू से डिवाइडर डिवाइड करेंगे तो वन रिमाइंडर बचेगा. तो ये प्रूव्ड हो गया. अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है सो डैट इवन पॉजिटिव ओड इंटेजर्स ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ओड इंटेजर्स के लिए कह रहा है. फॉर सम इंटेजर्स क्यू लेट ए बी द गिवन पॉजिटिव ओड इंटेजर. जैसे इसमें हम लोग लिए थे उसी तरह से इसमें भी हम लोग ले रहे हैं.
कोई सब को लिखने का एक ही पैटर्न है, जितना दे दे 4q+1 दे, 5q+1 दे, 6q+1 दे, मैंने जितना दे, तो इसमें यही लिखना होगा कि लेट ए बी द गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑन डिवाइड ए बाई 4, यहाँ 4q है तो 4, 5q रहेगा तो 5, 6q रहेगा तो 6, 7q रहेगा तो 7, लेट क्यू बी द क्वाइटेंट एंड आर बी रिमाइंडर, जो उसमें हम लोग किए थे वही इसमें भी करते, देन बाई यूक्लिड एल्गोरिथम व्हाट वी हैव ए इक्वल टू 4q+r, मैंने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 4, क्योंकि 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 4 से स्मॉलर होगा, अर्थात r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता। तो सी a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 4q+1, मैंने a इक्वल टू 4q, मैंने मीन्स है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस वन रिमाइंडर, यहाँ आपका आया था वन भी आया था तो कर दिया गया, फिर ए इक्वल टू 4q+2, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल टू 4q+3, तीन तक था। तो बट ए इज ओड नंबर, ओड नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो क्वाइटेंट क्या बचेगा, जब ए ओड नंबर रहेगा और उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 मतलब इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्वाइटेंट बचेगा आपको, या तो बचेगा 1 वाला बचेगा, नहीं तो 3 वाला बचेगा, मतलब क्वाइट रिमाइंडर हमेशा बचेगा इवन नंबर, हमेशा बचेगा ओड नंबर, तो ये 1, 3, 2 नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ए इज ओड इंटेजर्स और ओड इंटेजर डिवाइड बाई इवन इंटेजर्स, इट इज इवन, 4 इज इवन, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज ओड इंटेजर्स 1, 3, इस तरह से बना देना है। अब एक और है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लिखा 1.1 का 5 VVI क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवाइडेड लेमा या एल्गोरिथम ए टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटेजर्स, कोई भी इंटेजर्स के लिए ऑफ द फॉर्म 9m+1, 9m+8, जैसे ए बनाए थे उसी तरह से, तो एनी इंटेजर्स है तो हम कोई भी मान लिए, तो लेट ए बी पॉजिटिव इंटेजर्स, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग ए बाई 3 क्यों लिया गया, 9 क्यों लिया गया, क्योंकि हम एनी इंटेजर्स इसका कोई भी मल्टीपल ले लिए, 3 ले लिए, 3 ए भी ले सकते हैं तो आपको चलेगा, लेकिन मल्टीपल करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए, तो हम 3 ले लिए, लेट क्यू बी क्वाइटेंट एंड आर बी रिमाइंडर, जैसे इधर जो में बनाए थे उसी तरह से इसमें भी बनाए, तो बाई यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड्स लेमा, यहाँ लेमा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लेमा दिया हुआ, यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेमा, तो यहाँ यूक्लिड लेमा भी कर सकते हैं क्योंकि लेमा दिया तो लेमे ही लेमा, यूक्लिड्स लेमा, कोई अंतर नहीं। तो ए इक्वल टू क्या हो, जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ए इक्वल टू, तो डिवाइड इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर,
तो थ्री से डिवाइड करें तो ऑलवेज रिमाइंडर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो बट स्मॉलर देन थ्री और आर इक्वल टू आर हमेशा होगा जीरो वन टू थ्री नहीं हो सकता तो सो ए इक्वल टू थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस वन या थ्री क्यू प्लस टू मैंने ए का वैल्यू इतने हो सकता है मैंने क्वाइटन डिवाइजर इंटू क्वाइटन प्लस रिमाइंडर जीरो डिवाइजर इंटू क्वाइटन प्लस रिमाइंडर वन डिवाइजर इंटू क्वाइटन प्लस रिमाइंडर टू लेकिन आपको कहता है यहाँ पर कि क्यूब यहाँ पर क्वेश्चन में द क्यूब क्यूब करने पर तो केस फर्स्ट है फर्स्ट में कह रहा था ए इक्वल टू थ्री क्यूब तो ए क्यूब इक्वल टू क्यूब कह रहा है स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर बोथ साइड अगर क्यू कहेगा तो क्यू बोथ साइड इसको याद रखना है अगर यहाँ स्क्वायर कहता तो स्क्वायर बोथ साइड अगर क्यू कह रहा है यहाँ पर दिस क्वेश्चन क्यू क्यूब तो क्यूब कह रहा था क्यूब बोथ साइड तो क्यूब इक्वल टू थ्री के क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब इसको यू कैन राइट 9 इंटू थ्री क्यू क्यू 9 3 27 क्यू क्यू लेट 3 क्यूब इक्वल टू एम 3 क्यूब इक्वल टू एम इज एन इंटीजर्स तो 3 क्यूब को ढक दीजिए अगर जगह पर एम लिख दीजिए 3 क्यूब इक्वल टू एम 3 क्यूब इक्वल टू एम 1 सेकंड तो प्रूव डैट 3 क्यूब इक्वल टू एम तो एम इक्वल टू ए इक्वल टू 9m जो फर्स्ट आपको प्रूव करने के लिए था 9m आपका आ गया इन सेकंड केसेस सेकंड केस में क्या कह रहा है भाई तो सेकंड केस आपका था सेकंड आपका a था तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यू होल क्यू तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू फार्मूला पर बन गया किस फार्मूला पर बना a प्लस बी होल क्यू तो इसको अगर मल्टीपल करिए तो 9qq प्लस 27 a 3 3 9 और 3 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 3 9 9q और प्लस 1 व्हाट इज दिस दिस इज 9q और प्लस 1 क्यू इक्वल टू अब ये सब में कॉमन ले लिया गया कितना कॉमन ले लिया गया सब में हम कॉमन ले रहे हैं टोटल में 9 तो 9 अगर हमें कॉमन ले लिए तो 9 3 27 तो 3 क्यू बच गया 9 3 27 तो 3 क्यू स्क्वायर बच गया और 9 आ गया तो केवल क्यू बच गया केवल क्यू बचा अब प्लस 1 था तो 1 लिख दिए अभी पूरे बराबर ये जितना है इतने बराबर लेट 3qq प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू एम एन इंटीजर्स तो इसके जगह पर हम केवल एम लिख देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया 9 ये पूरे बराबर एम प्लस 1 ए प्रूव्ड हो गया आपका सेकंड पार्ट्स थर्ड पार्ट्स इसी तरह से हम लिखेंगे थर्ड पार्ट्स आपका था इसमें लाए थे एक ए ओवर तो ए इक्वल टू केस 3 ए इक्वल टू 3q प्लस 1 तो ए क्यू इक्वल टू क्यू बोथ साइड तो ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यू तो फिर ए प्लस बी होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू व्हाट तो इसको करेंगे तो 3 3 9 3 27 क्यू प्लस 3 3 9 और 3 27 2 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 3 9 और 2 2 4 9 4 36 क्यू और प्लस 2 2 4 2 8 8 क्यू 8 1
अब इसको भी आप उसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम बना देंगे देख लीजिएगा, तो आपका आ गया ए क्यू इक्वल टू कॉमन, अब लीजिए 9 कॉमन हम ले रहे हैं सब में से, ए क्यू इक्वल टू आपका 9 लेते हैं कॉमन, तो आपका आ जाता है कितना 9 इसमें से कॉमन लेते हैं तो 3 क्यू क्यू प्लस 9 कॉमन ले गए तो 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर प्लस फिर 9 हम कॉमन ले लिए तो 4 क्यू हो गया, 4 क्यू अच्छा बच गया प्लस 8 हम बाहर निकले। तो जैसे इसमें हम लोग जो माने थे इसमें भी मानेंगे लेट लेट जो कोस्ट में है 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 4 क्यू इक्वल टू व्हाट एम एम इज इंटेजर्स कर सकते हैं, इज एन इंटेजर्स सो ए क्यू इक्वल टू 9 पूरे बराबर हम क्या माने एम लेट एम प्लस 8 आपका तीनों प्रूव हो गया। सो फॉर्म क्यू फॉर्म कितना 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 यही आपका प्रूव करना था, आपका तीनों फॉर्म आ गया। थैंक यू।